नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कॉलेज व शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को शिक्षा लोन दिलाने का अभियान अक्टूबर माह से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल 1,00,000 छात्र छात्राओं को क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा लोन दिलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उपलब्धि मात्र 23% ही हो पाई थी। इस साल शिक्षा विभाग ने इस लक्ष्य को 25% तक कर दिया है, जिसको कम करके 75,000 रखा गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को और डीओ को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम और डीईओ को लक्ष्य के अनुसार छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लोन के तहत कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है। पटना में सबसे अधिक 4,618 और शिवहर में सबसे कम 328 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। गया में 3,464, भागलपुर में 2,282 और मुजफ्फरपुर में 3,126 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देना है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहने से लक्ष्य हासिल करने में परेशानी हुई थी। इस साल कॉलेज सहित उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लक्ष्य पाने में परेशानी हो सकती है। बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने में आनाकानी के बाद लगभग 2 साल से राज्य सरकार शिक्षा वित्त निगम बनाकर स्टूडेंट को ऋण दे रहा है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहने से लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। इस साल कॉलेज सहित उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लक्ष्य पाने में परेशानी हो सकती है। बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने में आनाकानी करने के बाद लगभग 2 साल से राज्य सरकार शिक्षा वित्त निगम बनाकर स्टूडेंट को ऋण दे रही है। सरकार शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से छात्रों को 4% और छात्राओं व दिव्यांग स्टूडेंट को 1% ब्याज पर अधिकतम 4,00,000 रुपए देने का ऋण दिलाती है। 2 अक्टूबर 2016 में जब यह योजना शुरू हुई तो बैंक के माध्यम से लोन दिलाना था। 31 मार्च 2018 तक 2 वित्तीय वर्ष में बैंकों से 13,665 स्टूडेंट को 143.78 करोड़ लोन दिलाया गया। बैंकों को ऋण वापसी की राज्य सरकार की गारंटी है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग सहित सामान्य उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट को अधिकतम 4,00,000 रुपए तक सरकार लोन देती है। छात्रों को 4%, जबकि छात्राओं और दिव्यांगों को 1% की दर से शिक्षा ऋण दिया जाता है। विभिन्न तकनीकी संस्थानों के साथ साथ सामान्य कोर्स के लिए भी छात्र ऋण ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सरकार ने कई बार कहा है कि शिक्षण संस्थानों के पास होने के बाद रोजगार मिलने पर आसानी से ऋण चुकाएं। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में सरकार लोन माफ भी कर सकती है। राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ का प्रावधान है, लेकिन बिहार से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड के लगभग 4 दर्जन प्रखंडों के पास रहने वाले बिहार के निवासी स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत हर संकाय के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, एमबीए, बीसीए, पत्रकारिता सहित लगभग सभी उच्च शिक्षण के लिए शिक्षा ऋण लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल होने की वजह से पिछले साल सिर्फ 23% स्टूडेंट को ही यह लाभ मिल सका था और कई स्टूडेंट इस लाभ से वंचित रह गए थे, लेकिन इस साल ये उम्मीद है कि उन बचे छात्रों को और भी छात्रों को इस ऋण का लाभ मिल सकेगा। यह ऋण का अभियान जो है वो अक्टूबर माह से शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।